हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। इसके लिए हमने ये 250 ग्राम के करीब सरसों ले लिया है। देखिए, हरी हरी सरसों है और हमने इस सरसों के साग में थोड़ा सा ये बथुआ है और ये पालक है। इस सबको हम अच्छी तरह से बिन कर साफ कर लेंगे और महीन महीन काट करके तैयार कर लेंगे। और महीन काटने के बाद उसको 3-4 पानी से धो लेंगे। पहले धोएंगे तो काटने में दिक्कत होती है, इसलिए हम बाद में इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। देखिए, साग को हमने अच्छी तरह से काट लिया है और खूब अच्छी तरह से पानी में 3-4 बार हमने अब धो लिया है। साग को हमने कुकर में डाल दिया है। वैसे तो साग में पानी अपने आप से भी छूटता है, पर इसमें 1 कप हम पानी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। ढक्कन बंद करके हम इसको उबलने के लिए चढ़ा देंगे। 1 सीटी फुल आंच पे करेंगे और जब 1 सीटी आ जाएगी तो गैस को धीमा करके 5 मिनट तक साग को धीमी आंच पर पकने देंगे। 1 चम्मच इसमें हम नमक डाल के साग को उबाल लेंगे। साग जब तक उबल रहा है तब तक हमने ये मसाले तैयार कर लिए हैं साग को छौंकने के लिए। ये हमने 4 हरी मिर्च महीन महीन काट के रख ली। अदरक का 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, इसको हमने काट लिया है। 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ को, इसको हमने महीन महीन काट लिया है। और 1 कली पूरी जो होती है वो लहसुन की, उसको हमने महीन महीन काट लिया है। और 2 प्याज है, इसको भी छील करके महीन महीन काट के हमने तैयार कर लिया। ये सब चीज़ें डालकर जब हम साग बनाएंगे तो साग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब ढक्कन खोल करके हम देखते हैं कि साग हमारा जो है बन करके तैयार हो गया है। अब ये उबाल आ गया साग में अच्छी तरीके से। अब इसको हम इस तरह से 2 मिनट के लिए ऐसे घोट देंगे जिससे कि साग हमारा अच्छी तरह से तीनों साग मिक्स हो जाए। अब हम छौंकने की तैयारी करते हैं। गैस ऑन कर दिया, हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालते हैं। ये 2 चम्मच के करीब हमने सरसों का तेल डाल दिया। तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हमने जो प्याज काटा था अब इसको डालेंगे। ये लहसुन डाल देंगे और अच्छी तरह से गुलाबी होने तक हम भून लेंगे। प्याज भून रहा है, इसी में हम ये कटी हुई अदरक और हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज लहसुन अच्छी तरह से देखिए भून गया है। अब इसमें जो ये टमाटर हमने काट के डाले थे इनको अच्छी तरह से भून लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा इसमें हम नमक भी डाल देंगे। टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा हल्का सा हम नमक डाल करके अब इसको हम अच्छी तरह से गला लेंगे। टमाटर भी देखिए अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम जो साग हमने उबाला था उस साग को इसमें हम डाल देंगे। अब साग को भी हमने डाल दिया है और टमाटर प्याज में अच्छी तरह से साग को हम इस तरह मिला देंगे और धीमी आंच पे हम पकने देंगे। और इसमें ये मकई का आटा है, इस मकई के आटे को 1 चम्मच इस चम्मच से 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। इसको इसके डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। मकई के आटे डालने से साग का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसको धीमी आंच पे जितना ही इसका पानी है उसको इस तरह से चलाते चलाते पकाएंगे और धीमी आंच पर हम इसको पकने देंगे। साग को बीच बीच में इस तरह से घोट घोट कर हम चलाते रहेंगे कि जिससे हर चीज़ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इस तरह घोट घोट कर जब हम साग को चलाते हैं और पकाते हैं तो बहुत ही टेस्टी साग बन करके हमारा तैयार होता है। साग हमारा बन करके देखिए तैयार हो गया है। बीच बीच में इस तरह से हम चलाते रहेंगे और साग देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब साग के लिए हम तड़का तैयार करते हैं। हमने ये फ्राई पैन गैस पे रख लिया है। इसके बाद हमने घर का बनाया हुआ ये मक्खन है, इस मक्खन को हम डालेंगे। आप चाहें तो घी से भी कर सकते हैं, पर इससे मक्खन से बहुत ही स्वादिष्ट बन के साग हमारा तैयार होता है। इसमें थोड़ी सी हमने ये जीरा डाल दिया है, ये 4-5 हमने लाल मिर्च है इसको डाल दिया है। इसके बाद हींग इसमें थोड़ा अच्छी तरह से डालेंगे। इसमें हमने ये हींग डाल दिया है।
अब अच्छी तरह से तड़के को तैयार करते हैं। इसके बाद साग में इसी से हम तड़का लगाएंगे, इससे साग का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। आप घी से भी कर सकते हैं, पर हमने घर में ये बटर बनाया था, इससे हम साग में तड़का लगाते हैं। अब साग में हम तड़का लगा देते हैं ऊपर से इस तरह से। साग हमारा बन करके बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। गर्मा गर्म साग को चावल के साथ, रोटी के साथ, इसको मकई की रोटी के साथ या गरम गरम चावल के साथ खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। साग हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसमें ऊपर से थोड़ा सा मक्खन और डाल दीजिए गरम गरम साग में। इसको मकई की रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी साग हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस प्रकार से एक बार आप भी बनाइए, अपने परिवार, बच्चे, फैमिली को खिलाइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।